और आपने बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की घटना। अभी उनका शारद सती महोत्सव सारे देश में चल रहा है ना, तो दिल्ली से एक अखबार निकलता है पंजाब केसरी, हरिद्वार भी आता होगा पंजाब केसरी, उसमें रविवार के दिन बहुत सारे संस्मरण वगैरह आते हैं। एक शिकागो के फोटोग्राफर का एक संस्मरण छपा उसमें, उसमें उसने लिखा है कि उस धर्म सभा की फोटोग्राफी करने में गया था तो मैंने सभी धर्माचार्यों के फोटो खींचे, मैंने विवेकानंद जी का ही फोटो खींचा, फिर मैं सबके फोटो उनके आवास पर देने जाता था तो मैं स्वामी जी को भी देने गया, तो मैंने स्वामी जी कहा स्वामी जी आज मैंने सबके फोटो खींचे हैं, आपका भी खींचा है, फोटो मैं लाया हूँ, लेकिन आपके पीछे कोई बूढ़े सज्जन दाढ़ी वाले खड़े थे, फोटो तो मैंने उनका खींचा, मैं उनसे मिलना चाहता था, जब तक मंच की ओर में गया तब तक वो गायब हो गए, दिखाई नहीं दे, वो कौन थे? तो स्वामी जी ने कहा कि भाई फोटो दिखाओ तो पहचाने कौन थे, और जब फोटो देखा तो दिखाई दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस पीछे खड़े हुए थे, हाथ उठाए बेटा चिंता। जबकि शिकागो की धर्म सभा में जब स्वामी जी गए हैं भाषण देने, उस समय रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे, शरीर से जीवित नहीं थे, लेकिन चेतना विवेकानंद जी को अमेरिका तक घेरे हुई थी, गुरु की कृपा, गुरु की चेतना।